हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ ब्यूटी टिप्स विद सीमा। अगर आप बहुत ज़्यादा वाइट हेयर या ग्रे हेयर या आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो इस सबसे परेशान है, तो मैं आप लोगों के लिए एकदम इजी और आसान तरीका लेके आई। ये बहुत कम चीज़ों में बनने वाला है और आपके इससे बाल बहुत ही जल्दी ब्लैक होने लगेंगे। जितने भी आपके वाइट हेयर है वो ब्लैक में टर्न हो जाएंगे। यकीन मानिए, इसके इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में आपके वाइट हेयर हैं जो ब्लैक में टर्न हो जाएंगे। तो इस DIY को प्रिपेयर करने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और जैसे मैंने बताया है वैसे ही इसे बनाकर अपने हेयर पर अप्लाई करिएगा। शैम्पू करने से 1 घंटे पहले आपको इसे अपने हेयर पर अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे लूँगी एलोवेरा जेल। जी हाँ फ्रेंड, मार्केट वाली प्रोसेस की हुई एलोवेरा जेल, और ये है चारकोल पाउडर, ये है जटामासी। ये तीनों चीज़ें से हम एक सिंपल सा DIY प्रिपेयर करेंगे जो हमारे वाइट हेयर को ब्लैक में टर्न करने का काम करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में विटामिन ABC होता है जो हमारी बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी करता है, हमारे बालों को सिल्की शाइन सॉफ्ट बनाता है, ये हमारे हेयर फॉल को भी कम करता है और ये हमारे वाइट हेयर को ब्लैक करने का भी काम करता है। तो इस फिर और मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच जटामासी। जटामासी हमारे हेयर के लिए बहुत ही बेस्ट है। ये पहले के लोग जटामासी का बहुत यूज़ करते थे, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा अगर हो तो आप इसमें ऐड करके जटामासी 1 चम्मच ऐड कर दीजिए और इसे अपने हेयर पर लगाइए। देखेंगे कि कुछ दिनों में आपकी हेयर फॉल रुक जाएगी। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी चारकोल पाउडर। आप चाहे तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं चारकोल पाउडर, या घर पे भी आप बना सकते हैं। कोकोनट का सेल्फ से मैंने यहाँ पे चारकोल पाउडर तैयार किया है, तो मैं ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बना लूँगी। तो देख लीजिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक लगे तो इसमें एलोवेरा जेल और ऐड कर दीजिएगा। इसे हमें एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है और इसे अपने हेयर पर अप्लाई करना। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एकदम स्मूथ पेस्ट बना लिया। इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए और जब ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो इसे आप अपने वाइट हेयर पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिए। आप चाहें तो ब्रश की सहायता से इसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने हैंड में ग्लव्स पहन के भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा ब्लैक कलर आया है फ्रेंड। यकीन मानिए, ये DIY कुछ ही दिनों में आपके वाइट हेयर को ब्लैक कर देगा। और ये देखेंगे, जो आपके वाइट हेयर हैं वो कभी भी वाइट नहीं रहेंगे, हमेशा के लिए ब्लैक हो जाएंगे, जड़ से आपके काले बाल आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए इसे मैं आपको हेयर पे अप्लाई करके भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें इस DIY को प्रिपेयर करना है। और ये देखिए इसका कितना डार्क ब्लैक कलर आया है। मैं आपको इसे अपने हाथों पे लेके दिखाती हूँ। ये देख लीजिए फ्रेंड, ये कोई केमिकल वाली डाई नहीं, ये नेचुरल चीज़ों से बना हुआ डाई है। तो इस तरह से इस नेचुरल डाई को अपने हेयर पे अप्लाई करेंगे तो आपके हेयर को कोई भी हार्म नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तो फ्रेंड्स, मैं इसे मम्मी के बालों पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो देख लीजिए, मम्मी के बाल हैं जो पूरे वाइट हो चुके हैं, 80% तक वाइट हो चुके हैं। तो मैं इसे इनके बालों पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप अच्छी तरह से इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है और लगा के इसे आधे घंटे तक ऐसे ही रहने देना है। तो हमें बालों को अच्छी तरह से पार्ट्स में डिवाइड करके और अच्छी तरह से अपने जहाँ जितने भी आपके वाइट हेयर है इसे वाइट हेयर पर अप्लाई कर लेना है। और अप्लाई करने के बाद इसे ऐसे ही सूखने देना, फिर उसे आप पानी प्लेन वाटर से वॉश करिए, ना कि शैम्पू से। आप चाहे तो नेक्स्ट डे से शैम्पू से वॉश कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये बहुत ही नेचुरल तरीका है हमारे वाइट हेयर को ब्लैक करने का, ना कि हमें कोई मार्केट या केमिकल वाली चीज़ें अपने बालों पे अप्लाई करना चाहिए। इससे हमारे आँखों को भी बहुत नुकसान हो सकता है फ्रेंड्स। तो हमें इसे सेम डे शैम्पू नहीं करना है, नेक्स्ट डे आपको इसे शैम्पू से वॉश करना है। बाकी जिस दिन आपने ये हेयर डाई लगाया उस दिन आपको इसे प्लेन वाटर से ही धोना होगा। और चारकोल हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा था, ना कि हमारे फेस के लिए खाली चारकोल अच्छा था। चारकोल हमारे बालों के स्कैल्प की गंदगी को निकाल कर उसे अच्छे से क्लीन करता है। तो ये देख लीजिए, अब ये सूख चुका है। तो मैं इसे आपको वॉश करके भी दिखा देती हूँ इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो ये देख लीजिए, ये पूरे जड़ से काले हुए हैं फ्रेंड्स। ये मैंने हफ्ते में 2 से 3 बार इसे इस डाई को इस तरह से प्रिपेयर करके लगाया है, तब इसका रिज़ल्ट देखिए कितना अच्छा है। तो इसी तरह से आप भी नेचुरल डाई प्रिपेयर करके अपने बालों पर लगाइए, ना कि केमिकल वाली डाई। तो मेरी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ।